निक्की यादव हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि निक्की यादव की हत्या राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट शमशान घाट की पार्किंग में की गई थी। ये खुलासा आरोपी साहिल गहलोत ने पूछताछ के दौरान किया है। इतना ही नहीं, आरोपी साहिल गहलोत ने यह भी दावा किया है कि उसने निक्की की हत्या 10 फरवरी की सुबह 8 और 9 बजे के बीच में की थी, जिसके बाद वो अपनी सफेद रंग की वरना गाड़ी में अगली सीट पर ही निक्की यादव की डेड बॉडी को लेकर मित्राओ गांव में कैर रोड पर स्थित अपने ढाबे तक लेकर पहुंचा। साहिल गहलोत के इस खुलासे ने कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं, क्योंकि जब हमने गूगल मैप पर निगम बोध घाट से मित्राओ गांव स्थित ढाबे की दूरी चेक की तो वो 51 किलोमीटर दर्शाई गई। साथ ही दूरी तय करने का समय 1 घंटा 51 मिनट दर्शाया गया, यानी दिन के उजाले में साहिल गहलोत निक्की के शव को अपनी गाड़ी की अगली सीट पर लेकर राजधानी दिल्ली में 51 किलोमीटर तक बेखौफ घूमा। इस दौरान कहीं पर भी उसकी गाड़ी को रोका नहीं गया। साहिल गहलोत ने पुलिस के सामने ये भी बताया कि उसने सुबह निक्की की हत्या की, फिर उसके शव को अपने ढाबे के फ्रिज में छुपाया और शाम को उसने बहादुरगढ़ हरियाणा में जाकर शादी भी की। इस दौरान उसके चेहरे पर कहीं पर भी इस तरीके का कोई शिकंज नहीं दिखा कि उसने हत्या जैसे गंभीर अपराध को अंजाम दिया है। उसने अपने आप को इतना नॉर्मल दिखाया कि किसी को यह आभास तक नहीं हुआ कि साहिल किसी की हत्या कर आया है।